4 साल पहले एसिड अटैक में अपनी एक आंख गंवाने वाली इंटरनेशनल डांसर रूपाली नीरापुरे की अंधेरी जिंदगी में अब उजियारे की उम्मीद जागी है। पिछले माह हैदराबाद में हुए उसके 8वें ऑपरेशन में डॉक्टरों ने उसके ब्लड से सीरम के ड्रॉप बनाकर उसका इलाज शुरू किया था। वह अब कारगर होता नजर आ रहा है। उसे अब एक आंख से हल्का सा दिखाई देने लगा है, लेकिन पूरी तरह रोशनी आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। शनिवार को उसका हैदराबाद में 9वां ऑपरेशन हुआ था। रूपाली की इच्छा है कि जब आंख पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो वह सबसे पहले सांवरिया व खाटू श्याम के दर्शन करेगी। पिछले माह हैदराबाद के एलवी प्रसाद हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जांच में पाया था कि एसिड का असर आंख में अंदरूनी तौर पर है, इसके चलते रोशनी नहीं आ रही है। इस पर डॉक्टरों ने रूपाली का ब्लड लेकर अब उसका सीरम बनाया था। इस सीरम के ड्रॉप को रूपाली को 1 महीने तक आंख में डालने को कहा गया था। रूपाली ने उक्त ड्रॉप नियमित आंख में डाले। फिर शुक्रवार को अपने डांस टीचर मदनलाल सोलंकी के साथ फॉलोअप के लिए हैदराबाद गई। वहां डॉक्टरों ने उसकी आंख की पट्टी खोली। इस दौरान रूपाली को हल्का सा दिखाई देने लगा, जबकि उसे पहले बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। खास बात यह है कि इस दौरान उसे 10 फीट तक की दूरी तक का दिखाई दिया। इतना ही नहीं, वह खुद कॉरिडोर में कुछ दूर अकेली गई तो यह देख डॉक्टरों को भी काफी खुशी हुई। खास बात यह है कि इसके पूर्व 6 माह पहले रूपाली की मां रेखा की आंख की पल्स उसकी आंख में ट्रांसप्लांट की गई थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। सीरम ड्रॉप के प्रयोग से उक्त पल्स भी अब जीवित हो गई हैं, जिससे रूपाली को आराम है तथा आंख की जलन भी कम हुई है। शनिवार सुबह एलबी प्रसाद हॉस्पिटल के डॉक्टर भूपेश सिंह बग्गा ने उसका 9वां ऑपरेशन किया। इस दौरान अंदरूनी जमी परत को निकाला। अब उसे हॉस्पिटल के ही आई बैंक से पल्स ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। डॉक्टर बग्गा ने बताया कि सीरम ड्रॉप से उपचार का धीरे धीरे असर होता है, जल्द ही उसे अच्छी तरह दिखाई देने लगेगा। अभी रूपाली हॉस्पिटल में एडमिट है। गौरतलब है कि 4 साल पहले एसिड अटैक में उसकी एक आंख पूरी तरह खराब हो गई थी और उसकी जगह नकली आंख लगाई गई है, जबकि दूसरी आंख बचाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।